मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख ली, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किए बगैर नहीं रह सकते। हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, गॉड, मतलब खुदा, लेकिन उसकी जमा भी है गॉड्स, देवताओं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा लफ्ज़ जो है ना, अगर आपने लिखना हो या पढ़ना हो तो अल्लाह ही लिखें, अल्लाह ही पढ़ें, क्योंकि अल्लाह की जमा नहीं होती। इस चीज़ का आप अगर ख़ुद मुशाहिदा करना चाहते हैं, गूगल पे जाके आप लिख सकते हैं, या आपके पास डिक्शनरी है उसके अंदर आप देख सकते हैं, गॉड का मतलब आएगा खुदा, गॉड्स का आएगा देवताओं, अल्लाह लिखेंगे तो अल्लाह ही आएगा, अल्लाह के साथ एस लगा देंगे तो अल्लाह ताला आ जाएगा। सो आप कोई भी ज़ुबान लिखें, कोई भी ज़ुबान बोलें, लेकिन जब भी अल्लाह का लफ्ज़ आए तो अल्लाह ही कहिए। इनफैक्ट ये जो लफ्ज़ गॉड और गॉड्स है, ये नॉन मुस्लिम लोगों ने अपने खुदा के लिए इस्तेमाल किया है। यानी कि अगर एक बुत है उसको वो बोलते हैं गॉड, ज़्यादा बुत होंगे तो उनके लिए वो बोलेंगे गॉड्स, देवताओं, और हमारा अल्लाह एक है, अल्लाह की जमा नहीं है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा अल्लाह ही लिखिए, अल्लाह ही पढ़िए। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट लोग हैं उनसे मैं कहता हूँ कि अगर इस चीज़ से अगर आपके दो नंबर कट भी जाते हैं, नो टेंशन, मुमकिन है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो